या ब्रश है, आपको इस तरफ या ब्रश मिलता है, देन नीचे में आप देख सकते हो आपको ज्योति एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है ये होने वाला है मिनीसो हॉल। मैं रिसेंटली मिनीसो स्टोर गई थी करीबन 10-15 दिन पहले, एंड वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें शॉप की, कुछ यूजफुल आइटम्स भी हैं एंड कुछ बस मुझे क्यूट लगी तो मैंने ले लिया। बेसिकली देखा जाए तो वेस्ट ऑफ मनी, बट ठीक है, कभी कभार चलता है। वैसे भी मुझे कॉन्टेंट बनाने का मौका मिल गया। मिनीसो ऐसा स्टोर है जहाँ पे आप जाओ और कुछ ना लो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हम उठा ही लेते हैं वहाँ पे। एंड ये वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मुझे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज फाइनली मैंने टाइम निकाला और मैं शूट कर रही हूँ, बहुत जल्द मैं एडिट करके अपलोड भी कर दूंगी। एंड पहले क्या होता था मेरे साथ, पहले ना मैं बहुत प्रेशर के साथ वर्क करती थी। मैं ऐसा सोचती थी मुझे जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करना है, अदरवाइज मेरे व्यूज गिर जाएंगे, ये सब मेरे माइंड में चलते रहता था। अभी ये सब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। और पता है जब आपके वीडियो में बहुत कम व्यू आते हैं ना, तब बहुत सैड फील होता है। एक यूट्यूबर इस बात को समझ सकता है, तो वही मेरे साथ होता था। लेकिन ये सारी चीजें अब मैंने पीछे छोड़ दी हैं, अभी मैं इन सब चीजों से आगे निकल चुकी हूँ। मैं ना एकदम रिलैक्स होकर काम करती हूँ, एकदम चिल होकर। अगर मन होता है तो शूट करती हूँ, मन होता है तो एडिट करती हूँ। तो क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है। बेसिकली अभी मैं यूट्यूब इंजॉय कर रही हूँ। आई नो मैंने आप सबको थोड़ा बोर कर दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ना आपको एक छोटा सा ग्लांस दे देती हूँ मिनीसो स्टोर का, बेसिकली एक छोटा सा टूर। मुझे जो चीज़ें पसंद आई थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने शूट कर ली थी। मुझे वहाँ पे बैग्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था, बैग्स एंड पाउचेस का कलेक्शन बहुत पसंद आया। अंडर ₹700 बहुत अच्छे बैग्स अवेलेबल थे। मैं स्क्रीन में ऐड कर दूंगी मुझे जो भी पसंद आया था, पर मैंने एक भी परचेज नहीं किया बिकॉज मैंने ना रिसेंटली मिंत्रा से बैग शॉप किए हैं। बहुत जल्द आपको मिंत्रा बैग्स हॉल देखने को मिलेगा। सो मैंने अपने आप को वहां पे मना लिया था कि नहीं ज्योति, यहाँ पे बैग्स अभी परचेजिंग नहीं करनी है। इसके अलावा सॉफ्ट टॉयज का बहुत अच्छा कलेक्शन था, वो खैर हमेशा रहता है। ऑर्गेनाइजर, सन ग्लासेस, देन परफ्यूम्स एंड डियोस का तो हमेशा वहां पे स्टॉक रहता ही है। बहुत अच्छे अच्छे मिरर्स थे, हेयर ब्रशेस थे। मुझे जैसे जैसे चीजें याद आ रही है मैं उनका नाम ले रही हूँ। एनीवे, नाउ लेट्स सी मैंने क्या क्या चीजें शॉप की है। ओके, सो फर्स्टली मैंने एक पाउच परचेस किया है जो कि कुछ इस टाइप का ही, आप देख सकते हो लाइट पिंक शेड में है। शेड इज वेरी नाइस। इसमें आई थिंक आपको कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये वाला जो पाउच है बस इसी कलर में अवेलेबल है। एंड बहुत प्यारा सा कलर है, आप देख सकते हो। एंड अंदर में अच्छा खासा स्पेस है, यू कैन सी अंदर में अच्छा खासा स्पेस है। मैंने ये वाला पाउच इसलिए परचेज किया बिकॉज मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखने के लिए एक सेपरेट बैग चाहिए था, सो आई गॉट दिस वन। इवन आप इसमें मेकअप भी रख सकते हो, ठीक है। एंड क्वालिटी इसकी अच्छी है। प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसकी ₹350, जो कि मुझे बिल्कुल रीजनेबल लगा। या अगर आपको पसंद आया तो आप स्टोर विजिट कर सकते हो, वहां से इसे बाय कर सकते हो। और मैं एक काम करूंगी, मैं ना अमेजोन में चेक करूंगी, अगर ये पाउच मुझे मिल गया तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके यहाँ पे मिनीसो स्टोर नहीं है तो आप उस लिंक से इसे बाय कर सकते हो। ओके, देन आई गॉट सम मोर पाउचेस। इस बार मैंने प्रिंटेड पाउचेस लिए हैं। इसमें आई थिंक आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई थिंक ये वाले जो पाउचेस है लाइट पिंक में भी आपको मिल जाएंगे। एंड इससे पहले जो आपको पाउच दिखाया मेकअप एंड स्किन केयर रखने के लिए, एज कम्पेयर टू डैट पाउच इनकी प्राइसेस थोड़ी कम है। ये वाला ₹170 का है एंड ये वाला, लेट मी सी, ये वाला ₹230 का है, विच इज क्वाइट रीजनेबल, आप देख सकते हो। एंड अच्छा खासा स्पेशियस है, यू कैन सी। ये मैंने इसलिए लिया, जब कभी हम ट्रैवल करते हैं ना तो मेडिसिन वगैरह रखने के लिए छोटे छोटे पाउचेस बहुत सही रहते हैं, सेफ रहते हैं, इसमें गुम नहीं होते मेडिसिन, सो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला ऑप्ट किया। ओके, देन आई गॉट वन मोर पाउच जो कि कुछ इस टाइप का है। ये वाला जो पाउच है मेरी डॉटर ने पिक किया था, वो भी साथ में गई थी। एंड जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, सो मैंने उसे ऑप्शन दिया था कि आप कोई भी टॉय पिक कर सकते हो, एंड उसने ये वाला पिक किया। आई डोंट नो इसका पर्पस क्या है। ये बहुत छोटा सा, आप देख सकते हो। वैसे मैं इसमें हेयर क्लिप्स रखने वाली हूँ, कॉइन्स रख सकते हो आप, सेफ्टी पिंस रख सकते हो। मैं इसे अपने ट्रैवल बैग में रखूंगी एंड इसमें रबर बैंड्स एंड हेयर क्लिप्स रखने वाली हूँ। ऑल्सो आप इसे ना अपने बैग में हैंग कर सकते हो उसके थ्रू, एंड की रिंग भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। प्राइस है इसकी ₹260, जो कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट प्राइस इसकी हाई क्यों है मैं आपको बताती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मिनियन। अगर आप मिनीसो में कोई भी कार्टून कैरेक्टर वाला आइटम लेते हो ना तो वो काफी महंगा है वहां पे। ओके, देन आई गॉट अ नेक पिलो। प्राइस मुझे इसकी ध्यान में नहीं है बिकॉज टैग मैंने निकाल दिया है, बट आई नो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा जस्ट बिकॉज ऑफ मार्वल, स्पाइडरमैन, आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर वाली चीजें अगर वहां से लेते हो ना तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है वहां पे।
सो आई नो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा. ये वाला नेक पिलो मैं ऑप्ट किया बिकॉज घर पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, वी ऑल आर स्पाइडरमैन फैंस. सो दैट्स वाई हमने ये वाला परचेज किया. एंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बिकॉज वाइल ट्रैवलिंग मुझे एंड मेरी डॉटर, हम दोनों को सोने की आदत है एंड ये हम दोनों को फिट हो जाता है. सो या ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. एंड आपको पता है इसकी बेस्ट बात क्या है, आप इसे ना कुशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. लाइक यहाँ पे आपको जिप नजर आ रहा होगा, इसे ओपन करना है. मैं आपको शो करती हूँ कैसे इसे आप कुशन में कन्वर्ट कर सकते हो. सो या आप देख सकते हो. सो आप देख सकते हो ये कुशन में कन्वर्ट हो गया है. 2-in-1 प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है. अगर आपको पसंद आया देन गो फॉर दिस वन. ओके देन मैंने एक कोम का सेट लिया है जिसमें आई थिंक 5 combs है. या इसमें आपको 5 combs मिलते हैं. प्राइस है इसकी 190 rupees जो कि मेरे अकॉर्डिंग रीजनेबल है. बट कोम की क्वालिटी कैसी है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने ट्राई नहीं किया है. मैं आपको भी ओपन करके दिखाती हूँ. फर्स्टली आपको एक वाइट टीथ कोम मिलता है डी टैंगल करने के लिए. देन सेकेंड आपको एक इस टाइप का कोम मिलता है जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं. एंड थर्ड आपको एक ऐसा कोम मिलता है, आई डोंट नो इसका क्या पर्पस है बट कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा इसका जरूर. एंड देन आपको एक इस टाइप का कोम मिलता है जिसके बैक में आई थिंक ये पार्टीशन बनाने के लिए दिया गया है. एंड इसके अलावा लास्टली आपको एक और रेगुलर कोम मिलता है जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं. पता है मेरे घर में किसी चीज की कमी हो ना हो, कोम की कमी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज मेरे यहाँ मेरा एक पेट रहता है डॉगी. अगर उसे कोम बाहर दिख गया ना तो वो लेकर भाग जाता है एंड उसे बर्बाद करके छोड़ता है. सो या हमने वहां से कोम लिया. इनफैक्ट हम कहीं भी विजिट करते हैं कोम नजर आता है तो हम ले लेते हैं. ओके देन आई गॉट अ हेयर ब्रश जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा था. आप देख सकते हो इसका भी मैंने टैग निकाल दिया है. सो प्राइस मुझे ध्यान में नहीं है बट 200 के अंदर का है शायद. एंड पता है इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी थी, ये आप देख सकते हो. बैक में ग्लिटर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हो. ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, मेरी डॉटर को ये बहुत पसंद आया था. इसके साथ वो बहुत ज्यादा खेलती है एंड मुझे भी बहुत मजा आता है ऐसे ग्लिटर्स के साथ खेलने में. एंड इसके अलावा आपको मिनीसो में बहुत अच्छे हेयर ब्रशेस के कलेक्शन मिल जाएंगे. आप वहां विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा. एंड इसकी बात करें तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है. ओके देन आई गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो कि मुझे बहुत पसंद आया था एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. अगेन ये भी हेयर ब्रश है बट बहुत यूनिक सा है. इसे मैं अपने ट्रैवल बैग में रखने वाली हूँ. मैं वो दिखाती हूँ कैसा ये. ऑल राइट सो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का हेयर ब्रश है. आपको इस तरफ हेयर ब्रश मिलता है, देन नीचे में आप देख सकते हो आपको मिरर भी मिलता है. सो इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट. इसमें आपको हेयर ब्रश भी मिलता है एंड मिरर भी मिलता है. ट्रैवल बैग में रखने के लिए बहुत अच्छा है. लाइक आपको सेपरेट मिरर कैरी करना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आप देख सकते हो. देन दूसरी तरफ से आप अपने बाल को ब्रश कर सकते हो. सो या ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. एंड प्राइस है इसकी, एक सेकंड मैं आपको देख के बताती हूँ. प्राइस है इसकी जस्ट 190 rupees जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है. मैं ना आपको ये अच्छे से दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो. आपको ऐसे ओपन करना होता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया. क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है एंड प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है. सो या अगर आपको ये 2-in-1 हेयर ब्रश कम मिरर पसंद आया तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो. ओके देन आई गॉट सनग्लासेस जो कि मुझे कुछ इस टाइप के पाउच में मिला था. ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी. ये मैंने ना 500 में लिया था, उस हिसाब से एटलीस्ट एक बॉक्स दे देना था. सो कुछ इस टाइप के ग्लासेस है. ये मुझे स्टोर में बहुत ज़्यादा पसंद आया था बट आई डोंट नो वाई घर आकर ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. एंड इसका जो बिल है ना वो भी मैंने गुम कर दिया था. सो अगर बिल मेरे पास रहता तो शायद मैं इसे एक्सचेंज करके कुछ और ले लेती बट बिल मेरे पास नहीं है. एंड ये आप देखो टैग अभी एज इट इज लगा हुआ है. आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना. वैसे ये जो ग्लासेस है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड डिजाइन भी बहुत अच्छा है बट मुझे लग रहा है मेरे चेहरे पे सूट नहीं कर रहा है, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है. सो मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ, आप लोग मुझे बताना ये कैसा है. ओके वैसे ये यूनिसेक्स है, अगर आप मेल हो तब भी आप इसे वेयर कर सकते हो. सो मैं सोच रही हूँ मैं इसे अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दूँ, उनको शायद अच्छा लगे. ऑल राइट गाइज सो आप देख सकते हो ये जो ग्लासेस है मेरे पे कुछ ऐसे लग रहे हैं. अभी आप मुझे कॉमेंट करके बताओ ये मुझे रखनी चाहिए या मेरे हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहिए.
कमेंट बिलो. ओके देन आई गॉट अ सेट ऑफ आईब्रो रेजर जो कि दो के सेट में आए हैं. एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे वाइल थ्रेडिंग बहुत ज्यादा पेन होती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ. मैं ना रेयरली सैलॉन विजिट करती हूँ थ्रेडिंग के लिए, मैं रेजर ही इस्तेमाल करती हूँ. इससे पहले भी मेरे पास मिनीसो का ही रेजर था जो कि मैं बहुत टाइम से यूज कर रही थी एंड वो खराब हो गया था. सो मैंने न्यू लिया. एंड ये वाला जो रेजर है ना पहले जो था उससे काफी डिफरेंट है, बट ये बहुत अच्छा है, उससे फार बेटर है. ये मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगा. इससे आप अपने पूरे फेस में शेव कर सकते हो. इसमें आईब्रो रेजर लिखा हुआ है बट आप अपने फेशियल हेयर भी इससे रिमूव कर सकते हो, लाइक यहाँ के बाल, अपर लिप्स के बाल बहुत अच्छे से शेव हो जाते हैं. सो या इसकी क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छी लगी. एंड प्राइस है इसकी 190 रुपीज एंड 190 में आपको दो का सेट मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है. एंड मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप के रेजर्स आपको मिलते हैं. तो यहाँ पे आपको टू डिफरेंट कलर्स में रेजर मिलते हैं कुछ इस टाइप के. मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ. ये आप देखो, इसे आपको ऊपर की तरफ पुश करना होता है एंड इसका ब्लेड जो है वो बाहर आ जाएगा. ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. अगर आपको भी थ्रेडिंग करवाने से डर लगता है देन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर ये मुझे अमेजोन में मिल गया तो. ओके देन आई गॉट अ मेमो बुक जो कि छोटा सा है, क्यूट सा है, मुझे बहुत टाइम से चाहिए था टू डू लिस्ट बनाने के लिए. सो आई गॉट दिस वन इन जस्ट ₹150 जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. एंड या मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसमें लिखने के लिए. ओके देन आई गॉट एन एयर फ्रेशनर, फ्लेवर इज लेमन. इसमें आपको बहुत सारे वेरियंट्स मिल जाएंगे लाइक लिली, लैवेंडर, मुझे भी ठीक से ध्यान में नहीं है, आप चाहोगे तब आपको पता चल जाएगा. वैसे मेरे हस्बैंड को लेमन फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है. हम लोग जब भी कोई स्टोर विजिट करते हैं ना, ही ऑलवेज लुक्स फॉर एन एयर फ्रेशनर लाइक बाथरूम फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर. इसके साथ हमने एक कार फ्रेशनर भी लिया था बट वो खत्म हो गया होगा अब तक और ये अभी बाकी है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. फ्रेग्रेंस इज रियली वेरी अमेजिंग. मुझे पर्सनली जो सिट्रिक एयर फ्रेशनर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. ये वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है. आपके रूम में कम से कम बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं बट आधे घंटे तक स्टे करेगा. सो या फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है. अगर आपको पसंद आया तो आप इसे बाय कर सकते हो. प्राइस है इसकी 200 रुपीज एंड क्वांटिटी की बात करें तो आपको 300 ml मिलता है जो कि रीजनेबल है. ओके देन लास्टली मैंने कुछ इस तरीके इयररिंग्स परचेस किए हैं गोल्डन कलर में जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. हालांकि मैंने इस टाइप के इयररिंग्स अमेजोन से भी परचेस किया था बट वो ना थोड़ा अजीब सा गोल्डन था, मतलब थोड़ा चीप लग रहा था, मैं उसे पहन नहीं पाई. बट ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लग रहा है, मैं इसे पहन सकती हूँ. हालांकि मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है बट आई थिंक अच्छा ही लगेगा. प्राइस है इसकी 360 रुपीज, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट मुझे ये बिल्कुल वर्थ बाइंग लगा. क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है एंड मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए. ओके सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना एंड चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.